तो आज हमारा मन था मैगी खाने का, तो बहू रानी ने सोचा चलो मैगी बनवाते हैं। तो हमने तेल गरम किया और लंबा लंबा प्याज काट के डाल दिया इसमें, और इसे क्या करेंगे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे, अच्छे से ब्राउन करेंगे इसे और भून लेंगे। तेल भी हमने कम ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, तो ये हल्की ब्राउन होने लगी है। अब इसमें हमने हल्का सा मसाला वो डाल दिया नमक, क्योंकि जल्दी ब्राउन हो जाती है नमक डालने से। और अब हमने डाल दिए पतले लंबे कटे हुए गाजर, गाजर को भी हल्का सा भूनेंगे, सौते करेंगे हल्का सा। तो मैं तो वीडियो बना रही हूँ, बहू रानी हमारी मैगी बना रही है, और फिर दोनों सास बहू बैठ के मिलके खाएंगे भाई मैगी। तो मुझे लगा चलो मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखा देती हूँ। और हमने कॉर्न डाल दिए हैं, मक्कल मक्का डाल दिया है, तो बस इसे भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। स्वीट कॉर्न जो होते हैं ना वो डाले हैं हमने, है ना। वैसे तो अभी सीजन चल रहा है तो आप कोई सी भी डाल सकते हो। फिर से हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक हमने पहले भी डाला था, हल्की सी हमने डाली है लाल मिर्ची, और हल्की सी ही डालेंगे हल्दी पाउडर, बस थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। और फिर से इसे भूनेंगे जैसे, और जब कुछ खाने का मन नहीं हो ना तो बढ़िया है, मैगी बनाइए और खाइए, थोड़ी सी सब्जी वगैरह भी डाल लो तो और अच्छी लगती है, इससे अपनी सब्जी भी चली जाती है मैगी के साथ में। वैसे तो मैगी सिंपल भी अच्छी लगती है, और एक पुराने टाइम पे पहले जो मैगी आती थी बहुत स्वाद, अब मैगी का नहीं है सिंपल में, तो ज़्यादातर आजकल इसी टाइप से बनाने लगे हैं सभी लोग। अब हमने क्या किया इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद क्या करेंगे थोड़ा सा बॉईल करेंगे। तब तक क्या करेंगे मैगी है ना, मैगी निकाल लेते हैं और इसे हल्का सा चला देते हैं। और हमने लोहे की कढ़ाई में बनाई है, कोई भी सब्ज़ी आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हो ना तो बहुत फ़ायदा करती है। हाँ कलर उतना अच्छा नहीं आता है, पर कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई में बनाएँ। तो हम दोनों के लिए बना रहे हैं, तो हमने दो पैकेट बनाए हैं मैगी के, हमारे पास बड़ा पैकेट था इसमें से दो ही निकाले हमने, और मैं कम खाऊंगी, मेरा कम खाने का मन था, तो हम दोनों के लिए काफ़ी हो जाएगी ये। अब क्या करेंगे मसाला डाल देंगे, तो दो मैगी डाले हैं हमने और तो दो ही मसाले डाल देंगे इसमें से निकाल के, चला लेते हैं फिर से इसे थोड़ा सा। जब बॉईल होगा ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, जब सॉफ्ट हो जाएगी तो अपने आप दब जाती है। इसे बॉईल करेंगे थोड़ी देर के लिए, जब बॉईल होने लगेगी ना तब हम इसे ढक के रखेंगे फिर थोड़ी देर। तो अभी तो हम पहले हमने एक ही पाउच डाला था, अभी दूसरा पाउच भी डाल दिया है। और इस वीडियो को थोड़ा हम जल्दी और भी बना सकते थे, पर मुझे लगा कि थोड़ी बातचीत हो जा कर लेती हूँ आप लोगों से, तो बात भी हो रही है इस बहाने से। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बॉयल आने लगा है और सॉफ्ट होने लगी है मैगी, और आप बॉयल करके भी खा सकते हो इस मैगी को। तो अब हम क्या करेंगे ढक के रख देंगे। चलिए खोल के देख लेते हैं, तो देखिए काफ़ी थिक हो गई है, और हमको थोड़ी सी इसी टाइप की पसंद है, कई लोग बिल्कुल सूखी खाते हैं। तो ये जो गाजर मीठी होती है ना, तो थोड़ी मैगी मीठी लग रही है हमने चक्के देखा, तो इसे चटपटा करने के लिए डाल दी हमने काली मिर्च पाउडर डाला है, पिसी हुई काली मिर्च। आपके पास पिसी हुई नहीं है तो आप पीस के मतलब कूट के भी डाल सकते हो, और हरा धनिया डाल दिया, तो बस बन के तैयार हो गई हमारी मैगी।